इस कहानी में हमने अब तक देखा कि विक्रांत राजावत को एक बात समझ नहीं आ रही थी, ऐसा कौन सी पावर है हर्षवर्धन मित्तल के पीछे जिससे वो उसके दूसरे वार से बच गया। अब तक विक्रांत राजावत को ये तो पता चल चुका था हर्षवर्धन को जिसने भी बचाया था वो बेहद पावरफुल था, उसने उसके आदमियों को चोपर से ठोका था, ये कोई छोटी बात नहीं थी। विक्रांत राजावत जैसे इस बारे में सोच रहा था उसी के साथ उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। उसने अब तक अपने रूम कबाड़ा बना दिया था, वो और कुछ तोड़ पता या अपने रूम में बचे हुए चीज पर गुस्सा उतरता। उससे पहले ही उसका असिस्टेंट रूम में आके उससे कुछ कहता है, जाए सुनकर उसके हाथ जो अपने हाथ लगे फ्लावर पॉट की तरफ बांध रहे थे वो अपनी जगह पर रुक जाती है। वो जल्दी से अपनी रूम से बाहर चला जाता है, विला के बाहर खड़ी अपनी कार में बैठकर कहीं चला जाता है, उसका असिस्टेंट भी उसके साथ था। विक्रांत राजावत की कार आधे घंटे बाद एक बड़े से विला के बाहर आकर रुकती है। वो जल्दी से बिना गार्ड के कार का डोर खोलने से पहले ही खुद कार का डोर ओपन करके उतर कर विला के अंदर एंटर करता है। वो विला अंदर और बाहर से बेहद ही खूबसूरत था। विक्रांत राजावत विला में एंटर करके सीधा सेकंड फ्लोर पर बने एक रूम में एंटर करता है। वो जब उस रूम का नजारा दिखता है तो वो अपना सिर पकड़ लेता है, उस रूम की हालत किसी कबाड़े से कम नहीं लग रही थी। विक्रांत ध्यान से उस रूम के अंदर कदम बढ़ता है और बेड के पास अपने घुटने में सिर डालकर बैठी लड़की के पास जाके उसके कंधे पर हाथ रखता है। उसके ऐसे करने से वो लड़की अपना सिर घुटने से निकलकर सामने देखती है तो वो अपने सामने विक्रांत को देख कर जल्दी से खड़ी होकर उनके गले लग जाती है और उससे कहती है, डैड आप कहा थे मैं कब से आप जा वेट कर रही थी, आपने प्रॉमिस किया था आज आप पूरा दिन मेरे साथ रहेंगे पर आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा, मैं आपसे गुस्सा हूँ। इतना कहकर वो लड़की उससे अलग होकर मुंह फुलाकर उससे कहती है, मैं अब आपसे बात ही नहीं करूंगी। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि विक्रांत राजावत की बेटी आरुषि है जिसे विक्रांत ने अपने लाड़ से बिगाड़ दिया। ये बेहद जिद्दी है, अगर कोई चीज उसको चाहिए तो चाहिए ही, और विक्रांत राजावत भी अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था इसलिए उसके कहने के तुरंत बाद उसके सामने उसे जो चाहिए था वो हाजिर होता था। आरुषि राजावत अपने डैड से बेहद प्यार करती थी, उनके लिए ये किसी भी हद तक जा सकती थी। विक्रांत ने अपनी बेटी अपने जान को टुकड़े को सारी दुनिया से छुपा के रखा था, उसको पता था वो ये जो काम कर रहा है उससे उसके बेटी को भी कोई नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए उसने उसको दुनिया से नजर से छुपा के रखा था। किसी को भी नहीं पता था कि विक्रांत राजावत की एक बेटी भी है। अभी आरुषि अपने डैड से इसलिए नाराज थी कि उन्होंने आज उससे टाइम स्पेंड करने जा प्रॉमिस किया था और वो नहीं आए। आरुषि अभी सिर्फ 15 साल की थी, अनाया के उम्र की ही थी, इसे अपने डैड के साथ बेहद कम टाइम मिलता था। आज वो अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बेहद खुश थी, उसने बेहद सारी चीज सोच कर रखी थी, पर आज विक्रांत अपने प्लान के फेल हो जाने की वेजेस इस चीज को भूल गया था। उसको बेहद बुरा भी लगा रहा था, उसे पता था उसकी बेटी उससे बेहद प्यार करती थी, वो ज्यादा देर तक उससे नाराज नहीं रह सकती थी। विक्रांत जल्दी ही उसको मना लेता है। मित्तल मेंशन, अनाया और अयान अनाया के रूम में उसके बेड पर एक दूसरे को हग करके सुकून की नींद सो रहे थे। आज अयान को कितने दिनों बाद बिना मेडिटेशन की नींद आ गई थी, उसके चेहरे पर इस वक्त दुनिया जहान का सुकून नजर आ रहा था। रात के 2 बजे मित्तल मेंशन के सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी मित्तल मेंशन के बाहर 6 कार आकर रुकती गई। एम सबसे आगे वाली कार से 2 हैंडसम लड़के निकलते हैं और उनके गाड़ी के पीछे कार से उनके बॉडीगार्ड दोनों ही मित्तल मेंशन के अंदर चले जाते हैं। उनके लिए डोर मित्तल फैमिली के बटलर ने खोला था जिसे पहले ही उनके आने की खबर मिल चुकी थी। वो दोनों हॉल से होते हुए हॉल के साइड में लगे लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर बने अपने अपने रूम में जाके फ्रेश होकर सो जाते हैं। ये दोनों और कोई नहीं लव और कुश थे, ये आने वाले है इस बारे में घर में किसी को भी कोई खबर नहीं थी।
दूसरी तरफ रात के 2 बजे घने अंदर में एक घड़ी तेजी से सड़कों पे भाग रही थी। उस कार में एक लेडी और 2 जेंट्स थे। ये तीनों वही थे जो कुछ दिन पहले कैफे में विक्रांत राजावत से मिले थे। ये अपने किसी काम से कल शहर से बाहर गए थे, इसलिए ये पर क्या हुआ है इस बारे में उनकी कुछ भी पता नहीं था। पर अभी जब 12 बजे उनको अपने खास आदमी के जरिए उनके प्लान के फेल होने के बारे में जब पता चला, तो वो तीनों ही बिना टाइम देखे कि इस वक्त आधी रात हो चुकी है, ये जल्दी से शहर आने के लिए निकल गए थे। तीनों की कार सुबह के 4 बजे विक्रांत राजावत के विला के बाहर आकर रुकती है। तीनों हो कार से बाहर आकर विक्रांत के विला के अंदर एंटर करते हैं। विक्रांत उन तीनों का ही हॉल में बैठकर इंतजार कर रहा था। आज नींद तो उसको भी नहीं आई। आज तक उसने जो भी काम हाथ में लिया था उसे हर हाल में पूरा क्रिएट सक्सेसफुल बनाया था, पर इस बार वो मात खा गया। उसने अपने दुश्मन को बेहद हल्के में लिया था। उसको अपने ऊपर बेहद ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। और एक बात ये भी थी, उसने पूरे मित्तल खानदान के बारे में आगे से छानबीन की थी, यह तक कि उनके सिक्योरिटी के बारे में भी वो सब कुछ जानता था। उसने मित्तल मेंशन की सिक्योरिटी में अपने आदमी लगाए थे जो उसको हर एक बात के बारे में खबर देते थे। पर पता नहीं विक्रांत से गलती कहां पर हो गई, जिस वजह से उनका प्लान चौपट हो गया है और उसके बेहद सारे आदमी मारे गए हैं। वो अपनी सोच में गुम था कि तभी 3 लोग अंदर आकर उसके चेयर के सामने बैठ जाते हैं। विक्रांत को इस बात का होश ही नहीं था। वो अपनी सोच में इस कदर गुम था कि उसके सामने कोई आकर बैठ गया है और उसी को अपनी जलती हुई नजरों से घूर रहे हैं। इस बात का उसको पता ही नहीं चला। विक्रांत अपने सोच में गुम था कि तभी उसके कान में किसी औरत की आवाज आती है, जिसे सुन के वो अपने होश में आता है और अपने सामने देखता है, तो उसको अपने सामने उसके 3 साथी नजर आते हैं। वो उनकी तरफ देखता है और कहता है, तुम लोगों को पता लग हो चुका होगा कि हमारा प्लान फेल हो चुका है। उसकी बात पर वो औरत उसकी तरफ देखकर कहती है, पता चला तभी तो हम यहाँ पर आए हैं। अब आगे क्या करना है, अगर बॉस को इसके बारे में पता चलेगा तो हमारी खैर नहीं। ये तो अच्छा है बॉस इंडिया से बाहर है और शायद 2 महीने तक ये पर नहीं आने वाला, तो हमें बॉस के आने से पहले ही मित्तल ग्रुप में घुसना होगा। अगर तुम हर्षवर्धन मित्तल की फैमिली में नहीं भी जा पाए तो कोई बात नहीं, पर मित्तल ग्रुप में हमें किसी भी तरह घुसना होगा। उस औरत की बार खत्म होने के बाद उसके पास बैठा लग बैग उसी औरत से कुछ 3 साल बड़ा आदमी कहता है, हाँ नंदिनी सही कह रही है, अगर तुम मित्तल फैमिली में नहीं भी एंट्री कर पाए तो कोई बात नहीं, पर मित्तल ग्रुप मैं हमें जैसे भी करके एंटर होना ही होगा। उस आदमी की बात पर हाँ मैं हाँ मिलता हुआ उसके पास बैठे हुए लड़का कहता है, हाँ डैड आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मित्तल फैमिली में माँ बेहद आसानी से एंट्री कर सकती है। क्यों माँ, नहीं सही कह रहा हूँ ना? उसकी बात पर नंदिनी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो एक बार वहां मौजूद सभी की तरफ देखती है और फिर अपने बेटे की तरफ देखकर कहता है, हाँ मैं मित्तल मेंशन में आसानी से एंटर कर सकती हूँ और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। वो इतना कहकर शैतानी हंसी हंसने लगती और बाकी 2 लोग भी नंदिनी की बात पर, विक्रांत जो अपने प्लान फेल होने की वजह से टेंशन और गुस्से में था, उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। विक्रांत अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लेके कहता है, तो अब हम अपने अगले प्लान के मुताबिक चलेंगे जो कि हमने पहले ही डिसाइड किया है। उसकी बात पर वो तीनों अपनी सहमति जताते हैं। थोड़ी देर ऐसी ही बातें कर विक्रांत अपने रूम में चला जाता है और वो तीनों अपने घर। अगली सुबह अयान सुबह जल्दी ही अनाया के उठने से पहले ही अपने रूम में चला गया था। अनाया की जब सुबह नींद खुलती है तो वो बेड पर देखती है तो उसको अयान वहां पर कहीं भी नजर नहीं आता, तो वो समझ जाती है अयान जल्दी ही चले गया। वो उदास हो जाती है, पर तभी उसकी नजर बेड के साइड टेबल रखे नोट पर पड़ जाती है। वो उस नोट को उठाकर पढ़ती है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, उसकी उदासी पल भर में गायब हो जाती है। वो उस नोट पर किस
करके उसको अच्छे से अपने कप बोर्ड में रख देती है और फ्रेश होने चली जाती है। फ्रेश होकर अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर वो मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बाल बनाकर लाइट मेकअप करके अपना स्कूल बैग लेके नीचे चली जाती है। अपना स्कूल बैग हॉल में रखकर डाइनिंग टेबल पर जाके बैठती है जहां पर सारी फैमिली उसी का वेट कर रही थी। वो सभी को गुड मॉर्निंग विश करती है, तभी सर्वेंट किचन से नाश्ता लेके आते हैं। वो सब अनाया के पसंद का था। ब्रेकफास्ट में पोहा, पास्ता, आलू के पराठे, इडली, सैंडविच, जूस और भी बेहद कुछ था, जिसे देख के अनाय के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती है। वो अपना मनपसंद नाश्ता देख बिना सर्वेंट का सर्व करने का वेट करे खुद ही अपने हाथ से नाश्ता अपने प्लेट में लेके खाने लगती है। सभी उसकी इस हरकत पर मुस्करा देते हैं। अयान भी अनाया का बचपना देखकर मुस्कराया बिना नहीं रह पाया। अनाया अपने प्लेट में लिए पोहे का एक बाइट खाती है तो खुशी के मारे उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो अपनी आंखें डाइनिंग एरिया में घूमने लगती है। उसे ऐसा करते देख दादू उसकी तरफ देखकर कहते हैं, क्या हुआ प्रिंसेस, आपको नाश्ता अच्छा नहीं लगा, सब आपके ही पसंद का है। अपने दादू की बात सुनकर अनाया उनकी तरफ देखकर अपने चेहरे पर एक बड़ी स्माइल लाए उनसे कहती है, दादू नाश्ता बेहद अच्छा है और पोहे तो लाजवाब है, आप भी खा के देखो, आपको भी पसंद आ जाएगा। पर दादू मुझे ऐसा लग रहा है ये टेस्ट मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। उसने इतना जिनका था कि उसको कुछ याद आया। वो अपनी चेयर से उठकर किचन की तरफ भागती है। किचन में जाके देखती है तो वो वहाँ जो देखती है वो देखब के उसकी खुशी के मारे चीख निकल जाती है, जिसे सुन सब घबराकर किचन की तरफ दौड़ते हैं। सब किचन की डोर पर खड़े होकर अंदर का नजारा देखते हैं तो सब खुश भी होते हैं और हैरान भी। अनाया जब किचन में एंटर करती है तो उसको दो हैंडसम लड़के पेस्ट्रीज बनाते देखते हैं। वो उन दोनों को देखकर ही समझ जाती है ये दोनों और कोई नहीं बल्कि उसके दोनों भाई लव और कुश थे, जिन्हें वो अपने सामने देख और खुद का फेवरेट नाश्ता बनाते देख वो आज बेहद खुश थी और उन दोनों को अपने सामने सही सलामत देखकर खुश भी थी। उन दोनों का पूरा ध्यान पेस्ट्री बनाने पे था। वो अपनी बहन की फेवरेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की पेस्ट्री बना रहे थे। वो दोनों ही किसी प्रोफेशनल सेफ से कम नहीं लग रहे थे। उनने ही डाइनिंग टेबल पर अभिजी भी नाश्ता बनाया था। वो बनाया था अपनी प्यारी बहन के लिए और फैमिली के लिए भी। अनाया ने जब उनको देखा तो वो बिना कुछ सोचे अपने भाई को पीछे से हग करती है। उन दोनों का ध्यान जब उस पर चला जाता है दोनों खुश होकर उसको हग कर लेते हैं। तीनों जन भाई और बहन एक दूसरे को हग करके खड़े थे। अनाया की आवाज से सारी फैमिली किचन की तरफ आती है और जब वो किचन का अंदर का नजारा देखती है तो वो सब भी खुश हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन भाई बहन का प्यार ऐसे ही हमेशा बने रहे। अनाया और लव कुश जब एक दूसरे अलग होते हैं तब उनका ध्यान किचन के डोर पर खड़ी अपनी फैमिली पर चली जाती है। वो दोनों ही आगे बढ़कर अपने दादी, दादू, चाचा और डैड के पाँव चूमते हैं और अपनी मॉम के गले लग जाते हैं। कोई कुछ कहता उससे पहले ही कुछ सबको पहले नाश्ता करने को कहता है और उसके रेडी किए हुए पेस्ट्री लेके वो डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ता है। सब फिर से डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं। बोर इस बार सबके चेहरे पर पहले से ज्यादा खुशी दिखाई दे रही थी। अयान भी अपनी बेबी के चेहरे पर खुशी देख खुश था। ब्रेकफास्ट के बाद सब हॉल में जाते बैठ जाते हैं। अनाया अपने दोनों भाई के बीच बैठकर उनसे बातें करने में लगी थी और सब उन तीनों को देख रहे थे। अनाया ने आज अपनी भाइयों के साथ टाइम बिताने के लिए स्कूल जाना कैंसिल कर दिया था। आज वो अपने दोनों भाई को देखकर बेहद खुश थी। उसके पिछले जन्म उसके इन दो भाइयों ने अपनी जान पर खेलकर उसको बचाया था और फिर वो दोनों उसको सेफ जगह पर लाके अपने खास आदमियों को उसकी सेफ्टी के लिए छोड़कर दोनों अपनी फैमिली को बचाने गए थे और उसी में उनकी डेथ हो गई थी। उन तीनों की बात को रोकते हुए दादू अपनी कड़क आवाज में कहते हैं, अब बस भी करो, आप तीनों को बातें करने को पूरा दिन पड़ा है। उसके बाद वो कुश और लव की तरफ देखकर कहता है, और आप दोनों अब जो भी तुम्हारा बिजनेस है उसको ये पर
ट्रांसफर कर दो क्योंकि अब आप दोनों फिर से न्यूयॉर्क नहीं जाएंगे। अब बेहद हुआ आप दोनों का, अब आप हमारे साथ यही रहेंगे। उनकी बात पर लव और कुश सहमति से अपना सर हिलाते हैं। कुश अपने दादू से कहता है, दादू आप चिंता मत करो, हमने पहले ही हमारे कंपनी का मैं ऑफिस इंडिया में ट्रांसफर कर दिया है, तो अब हम यही रहेंगे। वैसे भी हमारी डॉल यहाँ पर है, तो अब भला हम कहाँ जा सकते हैं। अपनी भाई बात पर अनाया बस मुस्करा देती है। अपने भाई को अपने लिए प्यार देखकर उसको याद आता है पहले वो कैसी अपने भाइयों से भी दूर भागती थी, फिर बाद में वो उनके धीरे धीरे करीब आने लगी और उनकी बॉन्डिंग बस अच्छी हो ही गई थी कि उनकी लाइफ में वो हादसा हुआ और जिसमें उसने सबको खो दिया। पर अब अपनी पूरी फैमिली को देखकर वो खुद से ही वादा करती है कि इस बार वो अपनी फैमिली को हर हाल में प्रोटेक्ट करेंगी और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देगी। लव खुश पूरी फैमिली से मिलने के बाद वो दोनों और अनाया बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। अयान भी उनके साथ जाने वाला था, जिस अनाया की खुशी दुगनी हो गई थी। वही दूसरी तरफ आज अनाया का स्कूल में न आने से कोई बेहद ही परेशान था। ये कोई और नहीं बल्कि सुरभि थी, जो कब से अनाया के आने का वेट कर रही थी, पर अनाया आज आई ही नहीं, जिस वजह से आज जो उसने अनाया को इम्प्रेस कर दोस्ती करने का प्लान बनाया था वो धारा का धरा रह गया, जिस वजह से आज वो काफी गुस्से में लग रही थी और मन ही मन अनाया को कोस रही थी। वही रवि को अनाया ने पहले ही वो आज स्कूल में नहीं आने वाली है इस बारे में बता दिया था, तो वो रिलैक्स थी। वो अनाया के स्कूल में आने के वजह से परेशान नहीं थी। स्कूल में जो सिंगिंग कंपटीशन हो रही थी उसकी डेट जो एक महीने बाद की थी वो किसी कारण इसके 10 दिन पहले ही रख दी गई थी, जिस वजह से जिसने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था वो सब अपनी जान लगा के तैयारी कर रहे थे। अनाया को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि सिंगिंग कंपटीशन 1 मंथ बाद नहीं बल्कि अभी 10 दिन बाद होने वाली थी, और वैसे भी उसको इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो ऑन द स्पॉट भी बिना किसी प्रिपरेशन के अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती थी। सुरभि भी कंपटीशन के बारे में पता चलने के बाद अनाया को भूलकर कंपटीशन पर कंसंट्रेट करने लगी। उसको किसी भी हाल में इस कंपटीशन को जीतना था, जिससे उसको आगे जाके अपने करियर में इसका बेहद बड़ा फायदा होने वाला था। उसका सपना दुनिया की बेस्ट सिंगर बनना था और उसके पिछले लाइफ में उस सपने के बेहद करीब थी, पर वो उस तक पहुंच नहीं पाई थी, तो इस बार तो ये मुमकिन ही नहीं था। पर तब भी उसकी अच्छी खासी फॉलोइंग थी। इधर विक्रांत राजावत अपने नए प्लान पर काम करने लगा था। वो बेहद ही बरकाई से इस बार अपने प्लान को रेडी किया था, पर फिर भी उसका इस बार भी हर का ही सामना करना पड़ने वाला था। इस बात से अनजान वो अपने काम में लग चुका। तब विक्रांत ने मित्तल कॉरपोरेशन में एंट्री करने के लिए एक अच्छा प्रपोजल रेडी किया था, जिसे कोई भी बड़ा सा बड़ा और बिजनेसमैन माना कर ही नहीं सकता था। और फिर भी अगर उसका ये प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट हुआ तो उसने इसका भी बैकअप प्लान बनाया था। उसको बस इंतजार था, तो कल का उसके वो 3 साथी भी इस प्रपोजल से सेटिस्फाइड थे। उनको तो अपनी जीत पक्की ही दिख रही थी। वो बस इस प्रपोजल से मित्तल ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे। उनके प्लान के मुताबिक अगर एक बार वो मित्तल ग्रुप में एंटर कर तो उनको जो भी करना है उसमें उनको आसानी हो जाएगी। विक्रांत राजावत की 5 आदमी मित्तल ग्रुप के में ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट में मौजूद थे, जो उसको वहां की पल पल की खबर देते थे। अनाया उसके 2 भाई लव कुश और अयान सब बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। सब उस वक्त अयान की स्पोर्ट्स कार मैं बैठे थे। कुछ ड्राइविंग कर रहा था और उसके साइड लव बैठा था और अयान के साथ अयाना बैक सीट पर बैठी थी। अब तक कुछ और लव अयान के साथ अच्छे से गुल मिल गए थे। अयान बस उनके पूछे हुए बातों को जवाब देता, ज्यादा कुछ नहीं कहता था। सारी बातें लाइव और कुछ जी कर रहे थे। थोड़ी ही देर में उनकी कार एक बड़े से एम्यूजमेंट पार्क के आगे आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि मित्तल मैंशन के अंदर ही आता था। वहां पर पहले ही हर्षवर्धन जी ने एम्यूजमेंट पार्क के मैनेजर को पहले इन लोगों के आने के बारे में बता दिया था। जब उनकी कार एम्यूजमेंट के पार्क के आगे आकर रुकती है, वो गाड़ी अपने साथ आए
हुए बॉडीगार्ड को पार्क करने को कहकर चारों एम्यूजमेंट पार्क के अंदर एंटर करते हैं। मैनेजर उनका गेट पर ही वेट कर रहा था। जब वो उनको देखता है तो उनको बड़े ही आदर पूर्वक वेलकम करता है। वहाँ मौजूद सब जा ध्यान उन चारों की तरफ ही जा रहा था। वो लग ही रहे थे इतने अच्छे चारों ने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, फिर भी उनकी सुंदरता कम नहीं हो रही थी। थ्री हैंडसम बॉयज और एक ब्यूटीफुल गर्ल, उन लोगों ने वहाँ मौजूद सबका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। कुश मैनेजर का उनका पीछा न करने को कहता है। वो यहाँ पर आम लोगों के जैसे समय बिताना चाहते थे। उन लोगों ने ये जगह इसलिए चूज की थी कि अनाया को फेरिस व्हील में बैठना बेहद पसंद था और उसको एम्यूजमेंट पार्क में आना बेहद अच्छा लगता था। मैनेजर कुश की बात सुनकर वहां से चला जाता है, पर अगर कोई बात हो तो उसे बुलाए, ये कहता है। मित्तल खानदान के और अयान के बॉडीगार्ड उनके साथ ही थे, सादे कपड़े पहने हुए उनके आसपास ही थे, बिना किसी को नजर में आए। अनाया एम्यूजमेंट पार्क में एंटर करते ही भागकर बड़ी सी फेरिस व्हील के सामने जाके खड़ी हो जाती है। उसके पीछे ही उसके दोनों भाई और अयान भी था। वो लोग समझ जाते ही कि अनाया क्या चाहती है, तो कुछ फाइव लोगों का टिकट लेकर आता है और सब उस फेरिस व्हील में बैठ जाते हैं। अयान और अयान साथ में बैठे थे और दूसरे में लव और कुश। जैसे ही वो फेरिस व्हील स्टार्ट होती है तो उसने बैठे लोग जोर से चिल्लाने लगते हैं लव। तो फेरिस व्हील के स्तर होते ही जैसे जैसे वो ऊपर का रही थी वैसे ही उसको डर लगने लगा। वो डर के मारे चिल्लाकर अपने बड़े भाई कुश को टाइट गले लग जाता है। कुश उसको ऐसे देख के अपना सिर ना में हिलाकर उसकी पीठ थप थापने लगता है, जिससे लव कुछ हद तक नॉर्मल हो गया, पर अब भी उसको डर लग रहा था। इसलिए वो अपनी आंखें बंद करके अपनी भाई की टाइट हग करके बैठा था। वही अयान जो हिम्मत करके फेरिस व्हील में बैठा था, उसकी हालत भी अब खराब होने लगी थी। उसको ऊंचाई से बेहद डर लगता था, पर वो बस अपनी जान के खुशी के लिए उसके साथ बैठा था। पर अब उसको अपनी कंडीशन देखकर खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। अनाया जो फेरिस व्हील को एंजॉय कर रही थी, उसका ध्यान अयान पर जाता है और वो उसकी कंडीशन देख समझ जाती है। अयान को ऊंचाई से डर लगता है। वो अयान को हग करके कहती है, आयु जब आपको ऊंचाई से डर लग रहा था तो आप बैठे ही क्यों? उसकी बात पर आयु कहता है, मुझे अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करना था। तुम चिंता मत करो, अब मैं ठीक हूँ। फिर वो अनाया को ऐसे ही अपने गले लगाते हुए नीचे झुक कर उसके आंखें में देखते हुए कहता है, बेबी वैसे मैंने सुना था कि फेरिस व्हील के सबसे ऊंचे पर अगर एक कपल एक दूसरे को किस कर तो वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। अयान की बात सुनकर अयाना ब्लश करने लगती है और अपनी नजरें झुका लेती है। वो अयान को नजरों की तपिश बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। अयान उसकी अपनी प्यार भरी नजरी से देख रहा था जब वो उसको अपनी बायो से ऐसे शर्माते और उसके कल हुए गालों को देखता है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अब वो दोनों फेरिस व्हील के सबसे ऊंचे पॉइंट पर आ चुके थे और वहीं पर आकर फेरिस व्हील रुक जाती है। ये सब अयान ने ही अपने गार्ड को मैसेज करके किया था। वो अयाना की तरफ देखकर कहता है, जान क्या मैं तुमको किस कर सकता हूँ? उसकी इस बात पर अयाना बस अपनी नजरें झुका कर अपना सर हिला देती है। उसकी मंजूरी मिलते ही अयान बिना समय गवाए अपने शक्त होठ अयाना के मुलायम होठों पर रख देता है। दोनों ही एक दूसरे को किस करने में खो जाते हैं। वो दोनों फेरिस व्हील के सबसे ऊंचे पॉइंट पर एक दूसरे को किस कर रहे थे। इस वक्त शाम के 5 बजे थे। तभी आसमान में लाली माँ फैल गई और वातावरण बेहद ही खूबसूरत और मनमोहक हो गया था। सब अयान और अनाया के प्यार की गवाही दे रहे थे। जब अयाना को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तब जाके कहीं अयान उसके होठों से अलग होता है, पर उसकी अपने आप से अलग नहीं करता। वो अनाया की और खुद की सांस नॉर्मल क्रिया है। उसके बाद वो अनाया के माथे पर किस करके ऐसे ही उसको हग करके बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में फेरिस व्हील फिर से स्टार्ट हो जाती है। फेरिस व्हील का राउंड होने के बाद अनाया अयान और अलाव कुश वहां पर और भी अलग अलग राइड एंजॉय करते। उसके बाद वो रात का डिनर बाहर ही करके घर के लिए निकल जाते हैं। अगली सुबह
अनाया आज हल्दी ही स्कूल के लिए निकल गई थी। रावी ने उसको रात को ही कॉल कर कंपटीशन के बारे में बता दिया था। उसका इट अनाया आज जल्दी ही चली गई थी। उसकी रावी के साथ भी कुछ डिस्कस करना था और फिर सिंगिंग कंपटीशन के बारे में भी अपने टीचर से मिलना था। अनाया स्कूल के गेट से एंटर करती है कि कोई उसका रास्ता रोक देता है। वो जब अपने सामने खड़े इंसान को देखती है तो उसकी आंखों में गुस्सा नजर आता है। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अपनी हाथ की मुट्ठी बांध देती है। उसकी आंखें गुस्से के कारण लाल हो चुकी थी। वो अपनी आवाज कठोर करके अपने सामने जिसने उसका रास्ता रोका था उसको साइड हटने को कहती है, पर जब वो इंसान साइड नहीं हटता और अनाया से ही बदतमीजी करने लगता है जिसे अमाया अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती और अपने सामने मौजूद इंसान के मुंह पर एक घूंसा मारती है जिससे उसके सामने खड़े इंसान की एक तेज दर्दनाक चिक निकलती है। उसके साथ ही उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। अनाया के इस अचानक हमले से सामने खड़ा लड़का सबल नहीं पता और जमीन पर गिर जाता है। उसके नाक और मुंह से खून निकल रहा था। वो जब अपने नाक और मुंह से निकल रहा खून देखता है तो उसको अनाया पर बेहद गुस्सा आता है। ये और कोई नहीं बल्कि नेहा का बॉयफ्रेंड था जिसका नाम निखिल ओब्रॉय था। इसके डैड स्कूल के ट्रस्टी थे इसलिए ये हर एक पर अपना रोब जड़ता था। आज सुरभि ने उसको चैलेंज दिया था कि वो अनाया को अपने जल में फंसने को। जब सुरभि ने ये सब निखिल से कहा था तब नेहा वहां पर मौजूद नहीं थी, नहीं तो वो ऐसा कतई होने नहीं देती। निखिल वैसे दिखने में ठीक ठाक था, अच्छी हाइट 6'7" में, उसकी फिजिक्स भी अच्छी थी, पर वो अयान से कम हैंडसम था। वो स्कूल का सेकंड सबसे हैंडसम बॉय था। सारी लड़कियां उस पर मरती थी, सब उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी, पर नेहा ने पहली ही बाजी मार ली थी इसलिए अब किसी को कोई चांस नहीं था। नेहा किसी को निखिल के आसपास बटकने ही नहीं देती थी। वैसे निखिल तो स्कूल का सेकंड हैंडसम बॉय है, फर्स्ट कौन है ये आपको मैं अभी नहीं पर जल्द ही पता चलने वाला था। सुरभि और निखिल ने अभी अभी एक गेम खेल रहे थे जिसमें सुरभि उसको बड़ी ही चालाकी से हरा देती। उसके बाद वो उससे अगर उसमें हिम्मत है तो वो अनाया को पटके दिखा या यूं कहे उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाए 1 दिन की सही। पर पहले तो निखिल उसकी बात पर साफ इनकार कर देता है क्योंकि उसने जितना भी अनाया के बारे में सुना था उसके मुताबिक वो एक दमगल है। वो हमेशा लड़कों की तरह ही रहती थी इसलिए उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। निखिल के ऐसे डायरेक्ट माना करने से सुरभि को अपना प्लान जो उसने बनाया था वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा था, इसलिए वो अयान को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा के देती है जिसे सुनकर अयान का मेल इगो हॉट होता है और वो बड़ी ही आसानी से सुरभि की शर्त मान जाता है जिससे सुरभि के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है जो कि उसने जल्दी ही छुपा ली किसी के भी नजर में आए बिना। और वो अब स्कूल के बाहर साइड में खड़ी होकर अनाया के आने का और आगे का तमाशा का वेट करने लगती है। अनाया के गेट के अंदर आते ही निखिल उसके सामने बड़े ही स्टाइल में खड़ा होता है और उसको कहता अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहता है। उसको लगता है कि अनाया बस उसके अपनी गर्लफ्रेंड बन जाओ इतना कहने पर जी मन जाएगी क्योंकि लड़कियां उसके आगे पीछे उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए घूमती रहती थी और उसको खुद पर कुछ ज्यादा ही गमंड था। पर जब अनाया से वो उसको हाँ कहने की एक्सेप्ट कर रहा था तब उसको अनाया के गुस्से का सामना करना पड़ा था। वो अनाया को ऊपर से नीचे बेहद ही गंदे तरह से घूर रहा था जिससे अनाया का माथा ठनक गया और वो पहले से ही निखिल के बारे में जानती थी। निखिल एक निहायती बिगड़ा हुआ गमंडी और बदतमीज किस्म का लड़का था जिसको अपने बाप के पैसे का कुछ ज्यादा ही गमंड था। अनाया ने निखिल के कुछ दूरी पर खड़ी सुरभि को भी देख लिया था जो उनकी तरफ ही देख रही थी और उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी जिसे देख के अनाया समझ गई थी कि ये सब सुरभि का ही किया दरा है, वो ही इस सब की मास्टरमाइंड है। उसी के साथ उसके अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद आती है। उसके पिछले जन्म में निखिल उसको अपने दोस्तों के साथ बेहद तंग करता था और वो ये सब सुरभि कहने पर करता
हाँ सुरभि तो बस उसको दिखावे के लिए अच्छा अच्छा बोल देती, पर असल में वो उससे बेहद नफरत करती थी। उस वक्त अनाया स्कूल में कोई तमाशा या सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी और वो अपनी असली पहचान भी छुपाने थी, इसलिए चुप रहती थी। पर उसने ठान लिया था कि वो इस जन्म में की अत्याचार नहीं सहेगी, सबको उनके किए की सजा देगी। अभी जब निखिल ने उसको प्रपोज किया और उसकी गंदी नजरों को देखकर ही उसका गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया और उसने निखिल के मून पर मुक्का मार दिया, जिसमें उसको दिन में तारे दिखा दिए। निखिल अनाया खुद को पूरे स्कॉल के सामने मरने से बेहद गुस्से में आ गया था। अनाया के निखिल को मरने के बाद सारे स्टूडेंट उनको घेर के खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। जिन लोगों को निखिल ने परेशान किया था वो सब अनाया के निखिल को मरने से काफी खुश थे। वही जो निखिले के चमचे थे वो गुस्से से अमाया को घूर रहे थे और उनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्हें इन दोनों से कुछ लेना देना ही नहीं था, वो तो बस फ्री का तमाशा देख रहे थे। निखिल गुस्से से अनाया को मरने के लिए हाथ उठाता है, अनाया उसका हाथ हवा में ही पकड़ लेती है। निखिल अपना हाथ अनाया के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करता है, पर अनाया की पकड़ उसके हाथ पर इतनी मजबूत थी कि वो अनाया के हाथ से अपना हाथ छुड़ा ही नहीं पा रहा था, तो वो अपने दूसरा हाथ अनाया को मरने के लिए उठता है। अनाया उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लेती है और दोनों हाथ को मोड़ देती है, जिससे राहुल की दर्दनाक चिक वहां पर गुजने लगती है। अनाया उसके हाथ मोड़ कर उसको पीछे धक्का देती है, जिसे निखिल सीधा जमीन पर गिर जाता है। वो इस वक्त दर्द से तड़प रहा था, उसकी हालत बेहद ही खराब थी। निखिल को जमीन पर धक्का देकर अनाया अपने जिन हाथों से निखिल को पकड़ा था उनको अपने रूमाल से साफ करने लगती है, जैसे उसने किसी गंदी चीज को चूहा था। वहां मौजूद सारे स्टूडेंट अनाया के इस एक्शन में शोक से चले गए। निखिल के चीख से वो होश में आए। इस वक्त उनको अनाया से बेहद डर लगने लगा। स्टूडेंट ठान लेते हैं कि आगे जाके वो गलती से भी कभी अनाया से नहीं उलझेंगे, नहीं तो वो उसका परिणाम अपने सामने देख रहे थे। निखिल की ऐसी हालत देख उसके दोस्त आगे आकर उसको सहारा देने लगते हैं और उनमें से एक प्रिंसिपल को बुलाने चला जाता है। उसको डर था अगर अनाया को गुस्सा आ गया तो वो निखिल और भी भयानक हाल ना कर दे। और दूसरा दोस्त अनाया के तरफ बढ़ता है, वो उसको हाथ लगाता, उससे पहले ही अनाया उसको लात मारकर दूर गिरा देती है। उस एक लात से ही उसकी हालत खराब हो गई थी। सुरभि जो ये सब देख रही थी वो पूरी पसीने से नहाई हुई थी। उसके लिए अनाया का ये रूप बेहद ही अलग था। वो जिस बेवकूफ अनाया को जानती थी ये तो वो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। वो खुद के ही ख्याल में खोई थी। तभी उसके कान में अनाया की आवाज आती है जो कि निखिल से कह रही थी, आगे से अपनी ये गंदी नजर और तुम्हारी ये गंदी शकल लेके कभी मेरे सामने मत आना, नहीं तो अगली बार तुम्हारी क्या हालत होगी ये तो खुद मैं भी नहीं जानती। आगे से मेरे रास्ते में मत आना और अगर आगे से कोई घटिया हरकत की तो तुम्हारी खैर नहीं। अनाया ये सब बड़ी ही खतरनाक आवाज में कह रही थी, जिससे वह मौजूद सबकी रीढ़ की हाड़ी तक कांप गई। सबको अंदर से बेहद डर लग रहा था। निखिल और उसके दोस्त भी डर के मारे कांप रहे थे। निखिल तो पहले ही दर्द से तड़प रहा था। उसके दोनों हाथ की हड्डियां अनाया के हाथ मोड़ने से टूट गई थी, जिसे उसको बेहद दर्द हो गया था। वो पसे उसको जमीन पर धक्का देने से उसकी पीठ में भी लगी थी। इस वक्त उसकी हालत अदमारी से हो गई थी। ऊपर से अनाया की डरावनी और जानलेवा आवाज से उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। वो बस अभी किसी भी समय बेहोश होने के करीब था। अब उसको अनाया से पंगा लेने पर पछतावा हो रहा था, पर अब उसका कोई भी फायदा नहीं था। अब तो जो होना था वो हो गया था। अनाया अपनी बात और निखिल को ऑनिंग दिला, वहां पर मौजूद किसी के भी तरफ बिना देखे अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। निखिल का दोस्त जो वहां पर प्रिंसिपल और टीचर को लेकर आया था, वो और उसके साथ प्रिंसिपल और टीचर को भी अनाया से एक अनजान सा डर लगने लगा था। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। अभी कहानी जारी रहेगी। So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं, तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।